जमाकर्ता परिवार द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा नियम जमा योजनाएं पाबंदी कानून एक्ट 2019 से बनकर देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी के अधिकार की जानकारी तक नहीं है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून एक्ट 2019 बनाकर देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करने के लिए ड्रीम बर्ड्स एक्ट 19 के अंतर्गत नियुक्त हमारे जिला के सक्षम एवं सहायक अधिकारी के इस विषय में जानकारी तक नहीं है और इस कारण से हमारे क्षेत्र में अपने कार्यालय पर अपने पद पर टिक कर प्रदर्शित नहीं की जा सकती। आज तक कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया जिस वजह से क्षेत्र के लाखों ठगी पीड़ित न्यायालय एवं अपनी जमा राशि के भुगतान के लिए दर दर भटक रहे, जिस कारण से लखोटा के पीड़ितों का भुगतान लंबित है। ज्ञापन देने में धीरज त्रिपाठी, जय सिद्दीकी, राजेश कुमार, प्रेमलता रामसागर, प्रमोद कुमार आदि लोग उपस्थित थे। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार द्वारा आज एक विशाल धरने का आयोजन विकास भवन के समक्ष किया गया। उनके जिलाध्यक्ष ने बताया कि गरीब परिवार के लोगों का पैसा सहारा बैंक में जो जमा है उसे सरकार द्वारा 3 गुना वापस दिलवाया जाए। सीतापुर से सुरेंद्र तिवारी, ब्यूरो चीफ, एक्सप्रेस न्यूज भारत एवं कैमरा